हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। और मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर चैप्टर। वेक्टर में कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी हैं बेटा। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथड जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। कब उसका यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। उम्मीद करूँगा कि ये जितनी भी बातें अभी तक मैंने आप लोगों को बताई हैं ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आई हो, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट। देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे काम करता है। वेक्टर प्रोडक्ट को निकालने के बेटा हमारे पास में ना दो तरीके हैं, दोनों मेथड हम आपको बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से आप हमारी बात को सुनिएगा। देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करने का जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में, इसका नाम है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, या हम लोग इसे नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या हम लोग इसे नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहली बात, इसका हम यूज़ कब करते हैं बेटा? इसका जो हम यूज़ करते हैं वो हम तब करेंगे जब वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर से करने पर हमें फाइनल आंसर भी वेक्टर ही चाहिए होता है। जब वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में करने के बाद हमें फाइनल आंसर भी वेक्टर चाहिए होता है तब हम यूज़ करते हैं इस मेथड का। देखो, हमने वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में गई तो फाइनल आंसर भी हमारा वेक्टर आया, तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। ये जो बीच में क्रॉस आपको दिख रहा है ना बेटा, यही क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, इस मेथड के कुछ बेसिक की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा। ध्यान से आप हमारी बात को सुनिएगा। इस मेथड के कुछ बेसिक की पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। अगर कहीं ऐसी कंडीशन बनती है आई क्रॉस आई, या कहीं कंडीशन बनती है बेटा ये जे क्रॉस जे, या कहीं कंडीशन बनती है ये के क्रॉस के, आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, इन सब की वैल्यू ज़ीरो रहती है, ध्यान रखिएगा। देखो, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई को हम वन बोलते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ आई क्रॉस आई को हम बोलेंगे ज़ीरो, जे क्रॉस जे को हम बोलेंगे ज़ीरो, के क्रॉस के को हम बोलेंगे बेटा ज़ीरो। अगर इनके अलावा कुछ और बनता है तो उसे निकालने का तरीका क्या है बेटा? देखो, उसे निकालने का तरीका यह है, जैसे यहाँ है आई, यहाँ है जे और यहाँ है के। समझ आ रही है बेटा बात? ठीक है, अगर हम जाते हैं आई से जे की तरफ, यानी हम ऐसे लिखते हैं कहीं पर आई क्रॉस जे, अगर हम आई से जे की तरफ जाते हैं आई क्रॉस जे, तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का के। समझ आ रही बेटा बात? अगर हम जाते हैं जे से के की तरफ, यानी हम कहीं पर ऐसे लिखते हैं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, हम जे से के की तरफ जाते हैं, जे और के की तरफ जा रहे हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का आई। और फाइनली अगर हम जाते हैं के से आई की तरफ, हम लिखते हैं ऐसे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो बेटा उसका आंसर हो जाएगा जे। अगर सेम सेम आते हैं, सेम सेम यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, वो तो कहलाएंगे ज़ीरो। और अगर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं तो ऐसे आपको यहाँ आई बनाना पड़ेगा, यहाँ जे बनाना पड़ेगा और यहाँ के बनाना पड़ेगा, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लूप बनाना पड़ेगा बेटा। अगर आई से जे जाओगे तो आंसर के आएगा, और अगर जे से के जाओगे तो आंसर आई आएगा। समझ में आ रही बात? अगर के से आई जाओगे तो आंसर जे आएगा। अच्छा, अगर इनका रिवर्स हो जाता है, रिवर्स यानी आप लूप की अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं बेटा, रिवर्स कुछ ऐसा हो जाता है कि आप चले जाते हैं लूप की अपोजिट डायरेक्शन में। भाई, लूप की अपोजिट डायरेक्शन में कैसे? लूप की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे कि आप आई से जे ना जाकर आप जे से आई जाते हैं, आप आई से जे नहीं जाते हैं, आप जे से आई जाते हैं। अगर आप जाएंगे जे से आई की तरफ, जे से आई, देखो सुनो ध्यान से, आई क्रॉस जे क्या है? आई क्रॉस जे है के, और जे क्रॉस आई कहलाएगा बेटा आपका माइनस के, ध्यान रखिएगा।
अगर आप इस एरो की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आंसर वही होगा, बस माइनस लग जाएगा। जैसे ये है J क्रॉस K को हम I बोलते हैं, अगर आएगा K क्रॉस J तो ये कहलाएगा माइनस I। अब यहाँ ये K क्रॉस I को हम J बोलते हैं, अगर यहाँ आएगा I क्रॉस K तो हम लोग इसे बोलेंगे बेटा माइनस J। ये हमारे पास में कुछ बेसिक तरीका है, कुछ बेसिक मेथड है वेक्टर प्रोडक्ट को निकालने का। पहले तो आप डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि इस मेथड का यूज़ हम करेंगे कहाँ, जहाँ वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में करने पर आंसर भी वेक्टर चाहिए होता है, यानी ये भी आई जे और के टर्म में है, ये भी आई जे और के टर्म में है, और आंसर भी हमारा आई जे और के टर्म में ही चाहिए हम लोगों को, तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए इन कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी ज़रूरी है बेटा। आप इसे नोट करिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताता हूँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। चल देखो बेटा, हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, हमें एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर। बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं शुरुआत कर रहा हूं बेटा, यह है i प्लस जे, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में 2i कैप प्लस 3j कैप। देखिए दो वेक्टर हमें गिवन दिए हैं, एक वेक्टर है हमारे पास में a कैप और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में b कैप। हम लोगों को जो वैल्यू निकालनी है ना बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। चलिए पुट कर देते हैं बेटा, ए की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है ये आई कैप प्लस जे कैप, बीच में है क्रॉस, और बी की वैल्यू है हमारे पास में ये टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप। समझ रहे हैं आप लोग, ये है हमारे पास में ए वेक्टर, बीच में है क्रॉस, और ये है हमारे पास में बी वेक्टर। अब कैसे करेंगे हम, जरा ध्यान दीजिए। जैसे आप कॉमन तरीके से ब्रैकेट सॉल्व करते हो ना बेटा, जैसे आप 9th और 10th क्लास में कॉमन तरीके से ब्रैकेट को सॉल्व करना सीख कर आए हो, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, कोई नया मेथड अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो। आई की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये बन जाएगा टू आई क्रॉस आई, आई की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये बन जाएगा थ्री आई क्रॉस जे, प्लस जे की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये बन जाएगा टू जे क्रॉस आई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये बन जाएगा थ्री जे क्रॉस जे। लो बेटा हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, कॉमन तरीके से जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही, कोई नया तरीका नहीं है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, मैंने आपसे कहा कि जो आई क्रॉस आई है, जो एक जैसे हैं, जो एक जैसों के बीच में क्रॉस है वो बन जाएगा ज़ीरो, और जे क्रॉस जे ये भी एक जैसे हैं, ये भी क्या बन जाएगा ज़ीरो। समझ आ रही है बेटा बात। अच्छा अब ये जो आई क्रॉस जे होता है, आई क्रॉस जे ये रिप्रेजेंट करता है के कैप को, के कैप को, और ये जो जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई ये रिप्रेजेंट करता है माइनस के कैप को। I क्रॉस J मैंने अभी लिखवाया था आपके सामने, ये दिखाता है K को, और ये जो J क्रॉस I है ये दिखाता है माइनस K को। सो फाइनल आंसर इज, देखो बेटा फाइनल आंसर क्या बना हमारे पास में, ये हो गया है 3 और I क्रॉस J बन गया है हमारे पास में K कैप। ओके यहाँ है हमारे पास में प्लस के 2 और ये है J क्रॉस I, ये बन गया है माइनस के कैप। समझ आ रही बात। चलिए ये देखिए, ये बना 3k कैप और ये बना माइनस के 2k कैप, एंड द फाइनल आंसर इज k कैप। लो बेटा ये जो फाइनल आंसर हमारा आया है ना a क्रॉस b, फाइनल आंसर जो आया है हमारा a क्रॉस b वो है k कैप, फाइनल आंसर है k कैप। ऐसे आप प्रॉब्लम को बनाएंगे। ये एक तरीका है बेटा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का। आप देखो
ये जो ए था इसमें आई जे के था, यानी आई जे और के टर्म में था, भले ही के ना हो कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला भी आई जे के टर्म में था, और जो फाइनली आंसर आया है उसमें भी आई जे और के का टर्म आया है, यानी के का तो टर्म आया ही है। तो ये जो ए क्रॉस बी है ना बेटा, ये भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हम वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को बात समझ में आई हो और कोई परेशानी यहाँ तक ना हो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर टू की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा वेक्टर है हमारे पास में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। लो बेटा, एक वेक्टर है हमारे पास में ये a वेक्टर, और एक वेक्टर है हमारे पास में ये b वेक्टर। हम लोगों को फाइंड आउट करना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को, हमें निकालना है बेटा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को। अब देखिए, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग बेटा देखिएगा। a की जो वैल्यू है हमारी वो ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज ए वेक्टर। बीच में लगाया हमने क्रॉस, ठीक है बेटा। अब बी वेक्टर कितना है हमारा, बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। देखो, ये हो गया है हमारा ए वेक्टर और ये हो गया है हमारा बी वेक्टर। अब हम करते हैं बेटा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले 2i की मल्टीप्लाई i में करेंगे तो ये बन जाएगा 2i क्रॉस i प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 2i क्रॉस j, ठीक है बेटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 2i क्रॉस k, i क्रॉस k, ये बन गया हमारे पास में i क्रॉस k। इसके बाद में प्लस, ठीक है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये बनेगा 3j क्रॉस i, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये बनेगा 3j क्रॉस j, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली यहाँ पर तो ये बनेगा 3j क्रॉस k प्लस। ओके स्टूडेंट, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 4k की मल्टीप्लाई करेंगे i में तो ये बन जाएगा 4k कैप क्रॉस i कैप प्लस, 4k की मल्टीप्लाई करेंगे j में तो ये बन जाएगा 4k कैप क्रॉस j कैप, और फाइनली हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। मतलब देखो यार, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप लोगों से ना आता हो, कॉमन मैंने सॉल्व किया है। पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, फिर 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 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ऐसे ही पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और ये कंडीशन हमने बना दी। अब देखते हैं कि ज़ीरो क्या क्या होगा। आई क्रॉस आई ज़ीरो, ठीक है बेटा। उसके बाद जे क्रॉस जे, ये बन गया हमारे पास में, देखो ध्यान से देखिएगा, जे क्रॉस जे बन जाएगा हमारा ज़ीरो, और फाइनली k क्रॉस k हमारा क्या बनेगा, ज़ीरो। ये तीन टर्म तो हो गए हमारे ज़ीरो, i क्रॉस i भी ज़ीरो, j क्रॉस j भी ज़ीरो, और k क्रॉस k भी ज़ीरो। अब यहाँ देखो, i क्रॉस j क्या कहलाएगा, i क्रॉस j कहलाएगा k कैप, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, i क्रॉस k क्या कहलाएगा, i क्रॉस k कहलाएगा माइनस के j कैप, माइनस j कैप मैंने लिखवा रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं बेटा। उसके बाद j क्रॉस i क्या कहलाएगा, j क्रॉस i कहलाएगा माइनस के k कैप, माइनस k कैप। उसके बाद j क्रॉस k क्या कहलाएगा, j क्रॉस k कहलाएगा i कैप, ठीक है। उसके बाद k क्रॉस i क्या कहलाएगा, k क्रॉस i, ध्यान से, k क्रॉस i हमारा क्या कहलाने वाला है,
ये हमारा कहलाएगा जे कैप, ठीक है। इसके बाद के क्रॉस जे क्या कहलाएगा, के क्रॉस जे हमारा क्या कहलाएगा, के क्रॉस जे कहलाएगा माइनस के आई कैप, ठीक है बेटा। बस बन गया आंसर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, क्या आंसर बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, भाई ये तो जीरो ही बन गया है, टू इसकी जगह रख देंगे के, टू के कैप, ठीक है बेटा, ओके। इसकी जगह रखेंगे माइनस जे, तो ये बन गया टू माइनस जे, इसकी जगह रखेंगे माइनस के, तो ये बन गया थ्री माइनस के, समझ आ रही बेटा बात, ओके। इसकी जगह हम रखेंगे आई, तो ये हो गया हमारे पास में थ्री आई कैप, इसकी जगह रखेंगे हम माइनस आई, तो ये बन गया माइनस के फोर आई कैप, और वहाँ रखेंगे हम लोग प्लस के फोर जे कैप। लो बेटा ये आंसर बन गया हमारा ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब आप ये तो अच्छे तरीके से जानते हो कि जहाँ सेम टर्म आएगा आई क्रॉस आई वो भी ज़ीरो है। अब ये जो बाकी के टर्म आ रहे हैं, वैसे तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार और यहाँ लिख रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, ऐसे बना लो। फिर आई से जे की तरफ, अगर आई क्रॉस जे आता है तो के लिखो, अगर जे क्रॉस के आता है तो आई लिखो, और के क्रॉस आई आता है तो जे लिखो, और अगर एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाए गए तो माइनस लिखो बेटा। ये है तरीका हमारे पास में, जैसे आया के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये के है ये आई है, तो के क्रॉस आई जे कहलाएगा हमारा। अगर आता है आई क्रॉस ए, आई क्रॉस ए का मतलब है कि आप एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर ये हमारा माइनस जे कहलाएगा। तो बेटा ऐसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात। ये हमारा एक बड़ा सा मेथड है मेरे पास में, इसके अलावा एक बहुत छोटा सा मेथड भी है, और क्वेश्चंस के अंदर हम ये बड़ा मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, वो छोटा मेथड ही अप्लाई करेंगे, लेकिन ये मेथड भी आपको आना ज़रूरी है बेटा। इस मेथड का भी पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके स्टूडेंट, ऐसे करेंगे बेटा हम लोग काम। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मैं चाहूँगा कि वीडियो को ना पॉज कर दें, जैसे ही मैं क्वेश्चन को लिखूँ आप वीडियो को पॉज कर दें बेटा, और खुद से इस प्रॉब्लम को बना कर देखें, और फिर मेरे आंसर के साथ आप लोग मैच करके देखें, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ना पॉज कर दें, और ये है हमारे पास में क्वेश्चन, पी वेक्टर है क्यू वेक्टर है, और खुद से क्वेश्चन को बना कर देखें और फिर मेरे आंसर से मैच करें जो मैं आंसर बनाऊंगा। चलिए करते हैं बेटा, ठीक है। और जिन बच्चों से नहीं आता है वो यहाँ ध्यान से देखें, हमें निकालना है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। बेटा पी वेक्टर है हमारे पास में टू आई कैप प्लस फोर जे कैप, यहाँ लगाया हमने क्रॉस, और ये है हमारे पास में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिए कैसे बनाएंगे। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो ये बन जाएगा टू आई क्रॉस आई, ठीक है बेटा। इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2 i क्रॉस j, समझ में आया। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा 2 i क्रॉस k, ठीक है बेटा, प्लस 4j की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 4 j क्रॉस i, उसके बाद प्लस 4 j क्रॉस j प्लस 4 j क्रॉस k। लो बेटा पूरा ब्रैकेट दोनों की मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया। अब देखो किसे हम क्या लिखने वाले हैं, आई क्रॉस आई ज़ीरो, ठीक है, आई क्रॉस जे ये कहलाएगा हमारा के कैप, ठीक है, आई क्रॉस के ध्यान से बेटा हमारे पास में है आई क्रॉस के, ये कहलाएगा माइनस के जे कैप, जे क्रॉस आई
ये कहलाएगा माइनस के के कैप, जे क्रॉस जे ये कहलाएगा ज़ीरो, यहाँ है जे क्रॉस के ये कहलाएगा आई कैप। ठीक है, चलो अब इन सब की जगह रख देते हैं वैल्यू। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा ये तो हो गया ज़ीरो और यहाँ आ गया टू के कैप, यहाँ आ गया है माइनस के टू जे कैप। ठीक है बेटा, यहाँ आ गया है माइनस के फोर के कैप और फाइनली हमारे पास में आ गया है फोर आई कैप। लो भैया, ये आंसर हमारे पास में बनने वाला है, ये फाइनल आंसर हमारे पास में निकल कर आएगा। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है, आंसर आप लोगों को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझ में आ रही बात। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि अब आप इस मेथड से क्वेश्चन को कर लेंगे, यार दिक्कत नहीं आएगी। अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट मेथड, जो इसका दूसरा मेथड है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए अपनी कॉपी के अंदर ऑल्टरनेट मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का ऑल्टरनेट मेथड, और इस ऑल्टरनेट मेथड का नाम है बेटा डेटरमिनेंट मेथड, डेटरमिनेंट मेथड। इस ऑल्टरनेट मेथड का नाम है बच्चों डेटरमिनेंट मेथड। ठीक है, चलिए कैसे हम इस डेटरमिनेंट मेथड का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मैं सीधा एग्जांपल से आपको बताता हूँ, और मैं तीन एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा बेटा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इन तीनों एग्जांपल से आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर वन, फर्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारे पास में ये, एक वेक्टर हमें दे रखा है ए वेक्टर, इसकी वैल्यू है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है बेटा, चलिए अब आप देखिए कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को। सबसे पहले दो बड़ी बड़ी लाइनें बना दीजिए, ये दो बड़ी बड़ी लाइनें आप बना दीजिए, इन दो बड़ी बड़ी लाइनों को ही हम बोलते हैं डेटरमिनेंट। ये जो दो बड़ी बड़ी लाइनें हमने बनाई है ना, इसे ही हम डेटरमिनेंट का नाम देते हैं बेटा। ठीक है, अब कैसे ये मेथड काम करेगा, बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत आसान मेथड है, एक ही स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ रखना है आपको आई कैप, यहाँ रखना है जे कैप, यहाँ रखना है के कैप, ऑलवेज हमेशा डेटरमिनेंट बनाओ, यहाँ रखो आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप। अब बताइए पहले वेक्टर में आपको ए क्रॉस बी निकालना है ना बेटा, तो ए वाले को रखेंगे यहाँ पर और बी वाले को रखेंगे यहाँ पर, जो पहले है उसे बीच में रखेंगे और जो बाद में है उसे नीचे रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब बताओ ए क्या है, ए है टू आई कैप, देखो आई के सामने है टू, यहाँ लगा दो, जे के सामने है थ्री, यहाँ लगा दीजिए, के सामने है फोर, यहाँ लगा दीजिए। अब आइए दूसरे वेक्टर में, बी वेक्टर में, आई के सामने है वन, यहाँ आई के नीचे यहाँ लगा दीजिए, जे के सामने है वन, यहाँ लगा दीजिए, के सामने है वन, यहाँ लगा दीजिए। ठीक है बेटा, ये हमने डिटरमिनेंट सेट कर दिया। सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाओ, बनाया भाई हमने डिटरमिनेंट, उसके बाद हमने यहाँ लगाया आई कैप, यहाँ लगाया जे कैप और यहाँ लगाया के कैप, और इसके जो टर्म्स थे उन्हें यहाँ लिख दिया, इसके जो टर्म्स थे उन्हें यहाँ लिख दिया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, इसे हम लोग बोलते हैं रो वन, इसे रो टू, इसे हम बोलते हैं रो थ्री, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, ये कॉलम थ्री, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको आई कैप उठाना है बेटा, और उठाकर यहां लिख दो आई कैप, सबसे पहले आपको आई कैप उठाना है और यहां लिख दो आई कैप, लिख दिया आई कैप। उसके बाद आई कैप कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में। ये जो आई कैप है, ये आई कैप पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दो,
चार एलिमेंट बच जाएंगे आपके पास में, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वन की मल्टीप्लाई करो थ्री में, ये आ गया थ्री, बीच में लगाओ माइनस और वन की मल्टीप्लाई करो फोर में, ये आ गया फोर, ये बन गया बेटा हमारे पास में। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आई कैप को उठाया, और ये जो आई कैप है हमारा, ये पहली रो और पहले कॉलम में पड़ रहा है, आई कैप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़कर ये चार एलिमेंट हमारे पास में बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस लगा दो, काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं बेटा हम दूसरा टर्म उठाते हैं, जे कैप। इतना ध्यान रखना कि जे को हमेशा माइनस लेना है आपको, ऑलवेज जे को हमेशा माइनस लोगे आप, जब भी सवाल सॉल्व करोगे जे के सामने माइनस ज़रूर लेना है। अब बताओ जे कौन सी रो में आ रहा है, जे आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, ये जो जे है ये पहली रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, चार एलिमेंट बच गए हमारे पास में, इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, ये आ गया दो, बीच में लगाओ माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास में चार, ये टर्म बन गया। समझ आ रही है बेटा बात, अब आ जाइए आगे, प्लस यहाँ हमने लगाया के कैप। अब देखो के कैप में हम कैसे काम करेंगे, के साथ लेना है आपको प्लस, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस और फिर के साथ प्लस। अब बताइए के कौन सी रो में आ रहा है और कौन से कॉलम में आ रहा है, ये जो के है ये कौन सी रो में है भाई, ये है के, पहली तो रो है और आखिरी वाला कॉलम है, फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम। अगर पहली रो और लास्ट कॉलम को छोड़ दिया जाए तो चार एलिमेंट बचेंगे हमारे पास में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर थ्री, तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में टू माइनस थ्री। ठीक है बेटा, चलिए क्या आंसर बना, अब आप देखो, थ्री माइनस फोर माइनस वन आई कैप, टू माइनस फोर माइनस टू और माइनस यहाँ पर भी है, प्लस के टू जे कैप, और फाइनली हमारे पास में बचा है वहाँ पर माइनस के कैप, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये होगी बेटा हमारी ए क्रॉस बी की वैल्यू, ये हमारी ए क्रॉस बी की वैल्यू होने वाली है, और ये मेथड हमारा कहलाएगा डिटरमिनेंट मेथड। अभी तो एक ही एग्जाम्पल हुआ है भाई, अभी चिंता वाली क्या बात है, कोई भी बात नहीं है, जल्दी से नोट करिए, आगे दो एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। डॉट प्रोडक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी बिल्कुल अच्छे से। चलो बेटा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर टू, एक वेक्टर हमें दे रखा है ये, थ्री आई कैप प्लस के फोर जे कैप प्लस के सिक्स के कैप, दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है ये, माइनस के वन आई कैप प्लस के टू जे कैप प्लस के थ्री के कैप। लो भैया, ये दो वेक्टर है हमारे पास में, एक वेक्टर है हमारे पास में ये और एक वेक्टर है हमारे पास में ये, हमें निकालना है इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी हमें निकालना है P क्रॉस Q। तो बेटा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप बना लो डिटरमिनेंट, बताया ना मैंने आपको, इसे डिटरमिनेंट का नाम देंगे हम लोग। बना लिए डिटरमिनेंट, यहाँ रखो आई कैप को, यहाँ रखो जे कैप को और यहाँ रखो के कैप को, इतना काम तो करना ही करना है, ये तो बिल्कुल फिक्स है कि पी क्रॉस क्यू हमें निकालना है। डिटरमिनेंट बनाओ, आई रखो, जे रखो, के रखो। अब पहले क्या है मुझे ये बताइए, पहले पी है और पी में आई के सामने लिखा है थ्री, जे के सामने लिखा है फोर, के सामने लिखा है सिक्स, ये सेट कर दिया बेटा हमने। फिर क्या है, फिर है क्यू, क्यू में क्या लिखा है आई के सामने, माइनस वन, यहाँ क्या लिखा है टू, यहाँ क्या लिखा है थ्री, ये कंडीशन आ गई हमारे पास, हमने पूरा डिटरमिनेंट सेट कर दिया। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले हम रखेंगे आई कैप को, ये रहा आई कैप, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दो, आई कैप पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है, उसे छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 12,
बीच में माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 12, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 12 माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 12, ये कंडीशन बन गई हमारे पास में। बताइए समझ आया नहीं आया, ये कंडीशन बन गई हमारे पास में, ठीक है। अब उठाते हैं हम जे कैप को, और जे को रखेंगे हम माइनस के साथ, माइनस के जे कैप रखा, जे को माइनस के साथ, जे आ रहा है पहली रो में और दूसरे कॉलम में, ये जो जे के ऊपर कैप है बेटा ये पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है। पहली रो और दूसरे कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो ये दो एलिमेंट बचते हैं और ये दो एलिमेंट बचते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 9, बीच में रखेंगे माइनस, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो ये आ जाएगा माइनस 6। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जे को हमेशा नेगेटिव रखना है, इसीलिए मैंने जे को यहाँ नेगेटिव रखा। अब फाइनली हम लोग उठाते हैं बेटा प्लस के के कैप, फाइनली हम लोगों ने उठाया प्लस के कैप। अब आप देखो प्लस के कैप कहाँ किस तरीके से आ रहा है, प्लस के कैप पहली तो आ रहा है रो में और लास्ट आ रहा है कॉलम में। ये जो के कैप आपको दिख रहा है बेटा, ये पहली रो में आ रहा है और लास्ट कॉलम में आ रहा है, और पहली रो और लास्ट कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए, पहली रो और लास्ट कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास में बचते हैं 4 एलिमेंट बचते हैं ना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये बनेगा 6, बीच में माइनस, और इसकी यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6, बीच में माइनस लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये कंडीशन बन गई 12 से 12 माइनस फिनिश, 9 एंड माइनस माइनस प्लस 15, तो यहाँ आएगा माइनस के 15 जे कैप, और वहाँ आएगा हमारे पास में प्लस के 10 के कैप, एंड द करेक्ट आंसर इज ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बेटा, माइनस के 15 जे कैप प्लस 10 के कैप। उम्मीद है कि बात समझ में आई हो आप लोगों को कि कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अभी और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए, जब तक क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों से आएगा नहीं तब तक हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बेटा अभी हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो भाई, एक वेक्टर हम लोगों को गिवन दे रखा है बेटा, और ये वेक्टर है 3i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 6k कैप। दूसरा वेक्टर हमें गिवन दे रखा है 2i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के k कैप। ये दो वेक्टर हमें गिवन दिए हैं बेटा, एक है हमारे पास में वेक्टर a और दूसरा है हमारे पास में वेक्टर b, और हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट वो है हमारे पास में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अब ये क्रॉस का मतलब जानते हैं आप, क्रॉस का मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट, भाई क्रॉस का जो मतलब है बेटा यहाँ पर वो है वेक्टर प्रोडक्ट। अब कैसे निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, सबसे पहले आप बनाइए डिटरमिनेंट। बनाया हमने डिटरमिनेंट, यहाँ क्या है आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, ठीक है बेटा। आई के सामने है 3 यहाँ रखा हमने, आई के सामने है 2 यहाँ रखा हमने, जे के सामने है 4 यहाँ रखा हमने, यहाँ जे के सामने माइनस 2 है यहाँ रखा, यहाँ के सामने 6 है और यहाँ के सामने है माइनस 1। सारी वैल्यूज़ को हमने सेट कर दिया। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं बेटा, डिटरमिनेंट को करते हैं एक्सपेंड और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा एक्सपेंड करके। भाई सबसे पहले उठाया हमने आई कैप, उठाया आई कैप, जब आई कैप उठाएंगे तो ये आएगा पहली रो और पहले कॉलम में, पहली रो और पहले कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस के 4, एक माइनस आएगा बीच में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस 12, ये बन गया आंसर, समझ आ रही बात। अब उठाया हमने जे कैप और जे को रखा हमने माइनस के साथ, माइनस के जे कैप, समझ आ रही बेटा बात। अच्छा, जे कैप में हम क्या करते हैं, जे कैप में हम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं क्योंकि जे पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, समझ आ रही बेटा बात। 4 एलिमेंट बचे हमारे पास में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर
ये हो गया माइनस थ्री, बीच में लगाएंगे हम लोग माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 12, क्लियर। फाइनली हम उठाएंगे के कैप, देखो फाइनली हमने उठाया के कैप, और के कैप में हम क्या लिखने वाले हैं भाई, के कैप में हम कौन सी रो और कौन से कॉलम छोड़ने वाले हैं, आप ज़रा देखिए, के कैप हमारा फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम में आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस सिक्स, टू की मल्टीप्लाई फोर में एट, माइनस सिक्स माइनस एट, ये हो जाएगा माइनस के 14, ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भैया ए क्रॉस बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारी यहाँ से, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एट आई कैप, माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन इंटू माइनस जे, ये हो जाएगा प्लस के 15 जे कैप, और यहाँ निकल कर आएगा माइनस के 14 के कैप, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा बेटा ए क्रॉस बी का। अब तीन एग्जाम्पल हो चुके हैं भाई हमारे, तीन एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे, तो उम्मीद है कि इन तीन एग्जाम्पल से आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा, काफ़ी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा इन तीन एग्जाम्पल से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा काम बचा नहीं है हमारे पास में वेक्टर के अंदर, मेन काम हमारे पास में यही था बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर चार, चलिए आप लोग भी सॉल्व करिए और मैं भी सॉल्व करता हूँ, और देखते हैं कि जल्दी आंसर कौन निकालता है, करो भाई फटाफट सॉल्व आप लोग, आपको निकालना है ए क्रॉस बी, स्टूडेंट्स आपको निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक है, करिए फटाफट सॉल्व, देखिए कर सकते हैं क्या आप सॉल्व। सबसे पहले आप ये देखो बेटा कि यहाँ आई और जे तो है, के नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया जीरो के, ऐसे यहाँ पर आई और के तो है, जे नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया जीरो जे, यहाँ मैंने लिखा आई, यहाँ मैंने लिखा जे, और यहाँ मैंने लिखा के। अब देखो आई के साथ क्या है वन, और यहाँ आई के साथ क्या है टू, यहाँ जे के साथ क्या है वन, और यहाँ जे के साथ है जीरो, यहाँ के साथ क्या है जीरो, और यहाँ के साथ क्या है फोर। लो बेटा ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ सेट कर दिया, अब निकालते हैं हम लोग आंसर। सबसे पहले मैंने उठाया आई कैप, आई कैप पहली रो और पहले कॉलम में आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर। फिर उठाया माइनस के जे कैप मैंने, ठीक है बेटा, जे कैप पहली रो और दूसरे कॉलम में आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये आ जाएगा अगेन फोर। फाइनली हमने उठाया प्लस के कैप, पहली रो एंड लास्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये आएगा हमारे पास में माइनस टू। सो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बेटा कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास में, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है फोर आई कैप माइनस के फोर जे कैप माइनस टू के कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमारी ए क्रॉस बी की वैल्यू आने वाली है बेटा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब भैया मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट तो पहले ही निकालना आ गया था, हम पिछले तीन चार दिन से डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, उसके एप्लीकेशंस, एंगल निकालना, प्रोजेक्शन निकालना, ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको अब आ गया है दो दो मेथड से, एक कॉमन मेथड से एक ऑल्टरनेट मेथड से। आपको ये भी पता है कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ तब करना होता है जब फाइनल आंसर हमें स्केलर चाहिए होता है, और आपको ये भी पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ तब करना होता है जब फाइनल आंसर हम लोगों को वेक्टर चाहिए होता है बेटा। समझ आ रही है सभी लोगों को बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, अभी हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिया है हम लोगों ने, हमें इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं, अभी एप्लीकेशन इसके बकाया है, एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज मैं आप लोगों को दे रहा हूं बेटा एक प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, जो दो मेथड सिखाए हैं ना मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के, उन दोनों मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, ठीक है बेटा। ये लीजिए, उन दोनों मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये रहा आपके पास में क्वेश्चन, आपको निकालना है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, दोनों मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से भी और सिंपल मेथड से भी,
और दोनों मेथड से आंसर आना चाहिए सेम, बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए। सेम आंसर आएगा तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ये सब काम आप लोगों को करना है, बाकी अपना NCERT सीरीज के लेक्चर्स आप लोग देखते रहें, उसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। अगर 1 जुलाई से, पहली बात तो बहुत चांसेस है कि 1 जुलाई से आपकी क्लास ऑफलाइन हो जाएगी बेटा, उससे कम एक हफ्ता पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और आप लोगों को बैचेस अलॉट करेंगे कि कौन से बैच में किस स्टूडेंट को असाइन किया गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।